तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जैन सर टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक के बारे में। जैन सर टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक नहीं किया और हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिली है। लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको अगेन यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको स्टॉक में 1.34% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 703 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट, एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 654 और 582 तक के लेवल से भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 753 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 839 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी, एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 900 और 1000 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।